इस वीडियो में मैंने जो भी कवर किया है, अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट या क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला, बस कुछ ही मिनट में मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ कि इंकटूबर क्या होता है एंड क्या मतलब किस चीज़ के लिए इतना फेमस है। काफ़ी लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है, अगर आपने भी कहीं सुना होगा तो उसके बारे में आप लोग को क्लियर करना चाहता हूँ। इंकटूबर क्या होता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी एंड किसने इसे शुरुआत किया था एंड आप इंकटूबर में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, छोटा सा वीडियो है। इंकटूबर को इंट्रोड्यूस किया था जेक पार्कर ने, जो कि अमेरिका के एक कार्टूनिस्ट हैं। किसी इंटरव्यू में जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपने ये क्यों स्टार्ट किया, जो कि कुछ ऐसा ये नहीं है कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ लगता है ऐसे, मतलब आप कोई भी सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव हो या कहीं भी आप फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, ट्विटर यूज़ करते हो या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया जहाँ पे आप चीज़ें शेयर कर सकते हो अपना आर्ट वर्क, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट होता क्या है कि ज़्यादातर लोग इसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं अलग अलग ड्राइंग, जो कि एक प्रॉम्प्ट लिस्ट होता है, जो कि इंकटूबर का एक ऑफिशियल पेज भी है एंड इंस्टाग्राम पे भी उसका पेज है। तो उस पर होता क्या है कि जेक पार्कर जो है वो अलग अलग डेज के लिए, जैसे डे वन से लेके 31 लास्ट डेट तक, हर एक डेट के लिए अलग अलग एक थीम रखते हैं या एक चीज़ आप बोल सकते हो, एक टॉपिक रहता है। तो बस हर एक इंकटूबर के दिन, ठीक है, हर एक डे पे अक्टूबर के महीने में उस टॉपिक पे लोग अलग अलग ड्राइंग्स बनाते हैं, ठीक है, एंड उसे हैशटैग के साथ पोस्ट करते हैं। एंड इसको इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि क्या होता है कि बहुत टाइम तक जब आर्टिस्ट कुछ ड्राइंग नहीं करता या कुछ नहीं करता तो वो काफ़ी कंफ्यूजन में रहता है, तो इसीलिए जेक पार्कर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था ताकि एक सेपरेट डेडिकेटेड मंथ बन जाए इसके लिए। एंड ये काफ़ी वायरल हो गया, तो लोग काफ़ी सामने से आके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने से क्या हो जाता है कि आप कंटिन्यू जब एक ही महीने, ऐसा नहीं है कि आप पूरा साल भर ड्राइंग नहीं करोगे एंड एक महीना आप करोगे तो इससे आपका आर्ट वर्क इम्प्रूव होगा, ठीक है। जेक पार्कर ने इसे इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि आर्टिस्ट लोग अपना जो काम होता है उसको उसमें एक्सपीरियंस ले सके एंड उसको प्रैक्टिस करके, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करके उस मंथ में जो उनका आर्ट वर्क उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ, इसमें ये हार जीत का कुछ ऐसा कंपटीशन नहीं, आप कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। बट ये मेरा ओपिनियन ये है कि आप लोग अगर करते हो तो आपको सिर्फ इंकटूबर अक्टूबर के महीने में नहीं, जिसका ट्रेंड हो जाता है उसी महीने में नहीं, आपको हमेशा ड्राइंग को करना चाहिए, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तो इससे आपका आर्ट वर्क हमेशा और इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं ये, बस ये एक समझ लो एक ऑनलाइन एक वो है, ट्रेंड समझ सकते हो आप, जो कि ट्रेंड हो गया था एंड एक तरीके का ये बस ये है कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कंपटीशन टाइप में है, ठीक है। अगर मैंने पहले भी मैंने यही बात बोला, ये कोई कंपटीशन नहीं, आप कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें, हार जीत कुछ नहीं होता है, बस आपको अपने वर्क को इम्प्रूव करना है डे बाय डे, ठीक है। एंड इसका क्या लिस्ट है क्या नहीं लिस्ट है वो आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। एंड इसे जेक पार्कर ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि लोग अच्छे से अपना आर्ट वर्क इम्प्रूव कर सके, बस और कुछ इसमें लॉजिक नहीं है। आपको अलग अलग वीडियोस मिलेगी तो वो सब में वो लोग बस यहाँ से वहाँ बातें करते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्लियर बता दिया क्या है क्या नहीं है। तो अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको तो वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना चैनल को, चैनल पे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।